तो मैम, पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके सोल पर्पज़ के लिए, और बहुत बहुत सारा थैंक यू, लव यू मैम। और मैम, आपने आपकी गाइडेंस ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी इन 7-8 महीनों में, जब से मैंने आपको फॉलो किया है, आपकी गाइडेंस फॉलो की है, तब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई मैम मेरी। अब मुझे समझ में आता है कि मतलब मेरे और मेरे डीएम का कोई सेपरेशन हुआ ही नहीं था नॉर्मल, मतलब हमारी तो बल्कि मेरी शादी के बाद तो हम दोनों के जो रिलेशन में है उनकी, उसमें और भी रिस्पेक्ट आ गई है, और भी ज़्यादा। मैं मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम एक दूसरे के लिए हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है मैम। हम इतना अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक एक दूसरे, हमारी मतलब हमारी बहुत चीज़ें मिलती हैं, बहुत चीज़ें क्या मतलब सब चीज़ें मैच करती हैं, हमारी आदतें, और एक दूसरे को मतलब बिना कहे कुछ समझ जाना हम एक दूसरे की बातों को, बहुत चीज़ें। मुझे इस कनेक्शन का पिछले साल ही पता चला था, मैंने आपसे कन्फर्मेशन किया था जब, तो उससे पहले जब मुझे नहीं पता था, तो मेरे डीम के साथ 10 साल बाद बात हुई थी पिछले साल जून में, तो हम बहुत बात करने लगे थे, मैसेज वगैरह, कॉल तो नहीं करते थे, मैसेज वगैरह बहुत हो गई थी हमारी, और मेरा ज़्यादा हो गया था, तो फिर उन्होंने फिर मुझे बोला कि अब ये ठीक नहीं है इतना ज़्यादा मैसेज वैसेज करना, और आप अपना अपनी फैमिली में ध्यान दीजिए और अपने पे ध्यान दीजिए, उन्होंने ये बोला। मुझे पता था कि वो मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन जानती थी कि मेरे लिए बोल रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मुझे रोना धोना और बहुत ज़्यादा मैं उदास होने लगी थी, बहुत ज़्यादा, फिर वही गाने सुनना, ये वो रोती रहना। उसके बाद फिर एक ट्विन फिल्म कनेक्शन का वीडियो आया था मेरे सामने, उसके साइंस आए थे, तो वो मैम भी बहुत अच्छा गाइड करती हैं, वो भी स्पिरिचुअल बातें करती हैं, तो उन्हीं की वजह से मुझे पता चला था मेरी ये ट्विन कनेक्शन का, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं थी एकदम से, मतलब लगता था स्ट्रांग कुछ है कनेक्शन हमारे बीच। मैं उनको बोलती भी थी डीएम को कि हम कुछ ना कुछ तो है हमारे बीच का कनेक्शन, कुछ अलग है हट के, लेकिन पता नहीं था कि क्या है। तो बहुत टाइम फिर उसके बाद आपके वीडियोज़ आए, तो फिर वो रियूनियन वाले, मैंने कहा ये क्या होता है, और फिर उसके बाद आपने जो कन्फर्मेशन का दिया था नवम्बर में, मैंने आपसे कन्फर्मेशन लिया था, उसके बाद मैं बिल्कुल श्योर हो गई थी। फिर आपकी मैंने हर एक गाइडेंस को फॉलो किया, हर एक चीज़ को फॉलो किया, आपकी इनर वर्क वगैरह सब, मैंने आपसे सेशन भी लिया था उसके बाद। आपकी जो गाइडेंस है ना मैम, सुपर, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे वो शब्द नहीं है उनके लिए, आपकी गाइडेंस इतनी अच्छी है, और आपका जो तरीका है बताने का बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हर कोई समझ सकता है उस चीज़ को, आप इतना कुछ करती हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच मैम। और मतलब डीएम तो मेरे इतने बैलेंस हैं, और अब तो मैं भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी हूँ, पीस की स्टेट में आ गई हूँ मैं, और अब हमारी बातें होती हैं, नॉर्मल बातें होती हैं, ऐसे कुछ हमारा एक्साइटमेंट नहीं रहता है, मेरे अंदर भी ऐसा कुछ वो नहीं है, अब मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ, हमारी बातें होती है, नॉर्मल बातें होती हैं, और हम मतलब रीयूनियन का हमारे रिलेशन में तो कुछ वो है नहीं, क्योंकि मेरा तो हमेशा से उनके साथ यूनियन था है और हमेशा ही रहेगा यूनियन, तो रीयूनियन की तो बात ही नहीं होती, हमारा सेपरेशन ही कभी नहीं हुआ, मैं ये मानती हूँ। और जिस तरीके से वो हैं, तो वो तो पूरे बैलेंस है, बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, उनमें कोई ऐब नहीं है मैम, कोई भी ऐब नहीं है, इतने अच्छे, मतलब क्या कहूँ मैं, हम दोनों ने कभी भी मतलब एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नज़र से नहीं देखा, और उन्होंने अपनी लाइफ में मुझे जो अपना दर्जा दिया है वो आज तक है मैम, उन्होंने मुझे जो दर्जा दिया है वो मैम, वो दर्जा वो किसी को नहीं देना चाहते, मेरे लिए इतनी शॉकिंग न्यूज़ है, मतलब मुझे लगा था वो भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैम
वो जो मुझे दर्जा उन्होंने दिया है वो किसी को देना नहीं चाहते, मेरी जगह वो किसी को नहीं देना चाहते, और वो खुश है, वो खुश है। बल्कि मुझे उनके फ्रेंड से ही पता चला था, अभी पिछले महीने ही उनके भाई की शादी हुई है, छोटे भाई की। उनके घर में भी बहुत बवाल हो गया था, मुझे उनके फ्रेंड से पता चला था, हमारे क्लासमेट ही है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी वो शादी नहीं करना चाहता, और वो तेरी जगह किसी को देना ही नहीं चाहता है। तो मुझे खुशी भी हो रही थी, उन्हें बहुत ब्लेसिंग फील हो रही थी कि इतना अच्छा कोई पार्टनर, बता नहीं सकती मैं कितनी खुश। अब बताइए, उनकी फीलिंग्स मुझे उनकी कॉलर टोन से ही पता चल जाती हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कॉलर टोन लगती रहती है मुझे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उनसे कि वो कुछ बोले मुझे डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में मुझे सब पता है उनकी फीलिंग्स का। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है ना, आप मतलब सब लोग इस पे विश्वास करेंगे और इस पे चलेंगे आपकी गाइडेंस के थ्रू, तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। बहुत ज़्यादा मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और कंग्रेचुलेशंस, ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच।